जहां हथियार काम नहीं आते हैं वहां कई बार रणनीतिक चक्रव्यूह काम कर जाता है। यूक्रेन में अचानक जो हो रहा है वो पुतिन के प्लान की कामयाबी का संकेत है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस और यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां भी एक जंग लड़ रही हैं, जिनका मकसद एक दूसरे के यहां बगैर एक भी गोली चलाए बड़ी जीत हासिल करना है। लेटेस्ट न्यूज यह है कि यूक्रेन की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। ज़ेलेंस्की के कई खास लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी भी अब खतरे में है। गोलियां तो बहुत चली, रॉकेट लॉन्चर्स ने भी खूब आग उगली, टैंक और मिसाइलों से कई धमाके हुए, लेकिन मशीन गन की गड़गड़ाहट और मिसाइलों के धमाकों के बीच एक काम भी बहुत खामोशी से हो रहा था। ये काम दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक रूस की एजेंसी केजीबी कर रही थी। 11 महीनों से रूस के कई सीक्रेट एजेंट्स ज़ेलेंस्की का पीछा कर रहे हैं, यूक्रेन की सरकार से जुड़ी एक एक खबर निकाल रहे हैं, ज़ेलेंस्की की हर मूवमेंट और कीव में होने वाली हर हरकत का पता लगा रहे हैं। अब अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका बारूदी नहीं बल्कि राजनीतिक है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान बहुत बड़े करप्शन का आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप में कई गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा, कई सीनियर अफसरों ने भी अपना पद छोड़ दिया। उप प्रमुख किरिलो तिमोशेंको को भी पद छोड़ना पड़ा है। रिपोर्ट्स और उथल पुथल से तो यही लग रहा है कि जिस वक्त यूक्रेन के सैनिक अपने सीने पर गोलियां झेल रहे थे, जिस वक्त यूक्रेन के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ रहे हैं, तबाही और बर्बादी के बीच जब यूक्रेन की जनता कराह रही है, ऐसे वक्त में यूक्रेन के नेता और अफसर काली कमाई से अपनी तिजोरी भर रहे थे। खबर को संक्षेप में बताते हैं कि हुआ क्या है। आरोप नंबर एक, ग्रिड पर हमले के बाद जनरेटर खरीदने में रिश्वत ली गई। आरोप नंबर दो, सेना के लिए रसद खरीदने में 3 गुना रकम खर्च की गई। आरोप नंबर 3, सेना पर खर्च के नाम पर अफसरों की जेब में पहुंचा सरकारी फंड। यूक्रेन में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एक दर्जन से अधिक अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर वासिल लोजिनस्की के दफ्तर से जब्त कैश को दिखाया गया है। घोटाले का पूरा खेल बताएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले को पुतिन का प्लान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन की सरकार में सबसे अधिक एकता थी, जिस वक्त यूक्रेन का एक एक नागरिक अपने देश की भलाई सोच रहा था, वहां लालच देने और अफसरों से लेकर नेता तक के करप्शन में उलझाने का खेल कैसे हो गया। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ही सेना की रसद का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया था। मिलिट्री ने खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ रुपए में साइन किया था। अधिकारियों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। आपको याद होगा कि रूस ने ठंड का मौसम शुरू होने से पहले कई बार यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की थी। मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर था। रूस का मिशन बिजली सप्लाई सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना था। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे घोटाले की शुरुआत इसी के बाद हुई। सरकार ने एक तरफ बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर खरीदा तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटर खरीदने के लिए घूस ली गई, मरम्मत से जुड़े कामों के लिए घूस ली गई, बिजली सप्लाई के नए सामानों की खरीद में घोटाला हुआ। ज़ेलेंस्की की सरकार में करप्शन से आई मुसीबत के साथ ही बगावत की भी खबर है। खुलासा हंगरी के न्यूज़पेपर ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी की सीमा से कुछ ही दूरी पर यूक्रेन के सैनिकों के शव हैं। वीडियो देखिए, हंगरी का दावा है कि रेलवे जंक्शन पर भारी सुरक्षा के साथ रेलवे फ्रीजर कार्स खड़ी हैं, जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों ने सैकड़ों सैनिकों के शवों को फ्रीजर में रखा है। आरोप है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं। शवों को स्टोर करके रखे हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। सैनिकों के घर वालों को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। हंगरी का आरोप है कि सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हर दिन 4 से 5 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की को डर है कि सैनिकों की मौत की खबर से जनता में आक्रोश हो सकता है और उनकी कुर्सी जा सकती है। यूक्रेन में युद्ध के नुकसान को सार्वजनिक करने पर पाबंदी है।
आधिकारिक जानकारी शायद ही कभी सार्वजनिक की जाती है। कोई भी अगर नियम तोड़ता है, जानकारी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। हंगरी का आरोप है कि शवों में कई हंगेरियन नागरिक हैं। आरोप है कि यूक्रेन की सेना में जबरन हंगेरियन मूल के लोगों की ज्यादा भर्ती हो रही है। हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण यह है कि हमारे पड़ोसी देश में कई हंगेरियन रहते हैं। युद्ध हमेशा बुरा होता है, हर दिन लोग मर रहे हैं। सैकड़ों हंगेरियन भी मर चुके हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने शामिल किया था। हंगरी के करीब के इलाकों में अब हंगरी मूल के लोगों को हंगेरियन भाषा बोलने या हंगरी का झंडा इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।